ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। इन दिनों भीषण गर्मी एवं बढ़ते तापमान को लेकर राजधानी लखनऊ अस्त व्यस्त है। वहीं लखनऊ पुलिस अपनी जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन करते हुए इस भीषण गर्मी को मात दे रही है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की ये खास रिपोर्ट। आज हम बात करेंगे लखनऊ पुलिस की, बात करेंगे उनकी कर्तव्य निष्ठा की, चाहे वो किसी थाने से संबंधित पुलिस हो या फिर ट्रैफिक पुलिस हो। मौजूदा समय की भीषण गर्मी और तेज धूप में रहना हर किसी की बात नहीं है, किंतु राजधानी लखनऊ में पुलिस और ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को देखा जा रहा है कि वो अपनी ड्यूटी को बखूबी ईमानदारी के साथ निभाते हुए वह सब किस तरह चिलचिलाती धूप में चल रहे हैं। ये तस्वीर कानपुर रोड स्थित पिकैडली तिराहे की है, जहां ट्रैफिक पुलिस एवं एक TSI धूप की तपिश झेलते हुए पूरी ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर रहे हैं। जैसा कि देख रहे हैं कि इन दिनों भीषण गर्मी के चलते पूरा शहर त्राही त्राही कर रहा है और दोपहर के समय घरों से निकलना दुश्वार है, किंतु देखा जाए पुलिस ड्यूटी की तो पुलिस कर्मचारी अपनी ड्यूटी का इस धूप में भी निर्वहन करते आ रहे हैं। जैसा कि इस समय हम पिकैडली चौराहा कानपुर रोड पर हैं, आप तस्वीर देख सकते हैं कि इस चिलचिलाती धूप में भी ये ट्रैफिक के ये सिपाही कर्मचारी अपने ड्यूटी का बखूबी निर्वहन कर रहे हैं और अपने दायित्वों का, अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। इसी क्रम में भैया, हम आपसे बात करना चाहेंगे, आपका क्या नाम है? यशपाल सिंह, हेड कांस्टेबल यशपाल सिंह। यशपाल जी, धूप तो बहुत है जी जी जी, और तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, कोई सुविधा भी यहाँ पे नहीं देखने को मिल रही है, आप लोगों के लिए कोई इस तरह का बूथ का भी व्यवस्था नहीं है, कैसे आप लोग झेल ले रहे हैं इस धूप को? सर, वर्कआउट ड्यूटी आदत सी पड़ गई है और अच्छा लगता है कार्य करने में। जो हमारी ड्यूटी है, कोई विशेष दिक्कत महसूस नहीं होती हम लोग। देखा जा रहा है कि प्यास की वजह से, पानी की कमी की वजह से कई पुलिसकर्मी बीमार पड़ जा रहे हैं जी जी, हम लोगों को भी दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं, मगर सब मैनेज हो रहा है सर किस तरीके से। ये लोग हैं जिस तरह से अपनी ड्यूटी का बखूबी निर्वहन कर रहे हैं, बाकी इन पुलिस कर्मियों को सल्यूट करना चाहिए और जिस तरह से ये लोग यातायात सुचारू रूप से चलता रहे, आप तस्वीरों में देखिए कि ये लोग किस तरह से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, इस चिलचिलाती धूप में भी गर्मी को सहन कर रहे हैं। इन लोगों को जो जिम्मेदारी दी गई है विभाग द्वारा, उस जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन कर रहे हैं। यूं कहूं कि ये लोग अपनी जान जोखिम में डालकर इस तपती दोपहरिया में ड्यूटी कर रहे हैं, यातायात बाधित न होने पाए इस बात का विशेष ख्याल रखा जा रहा है। सहयोगी सुनील कुमार पाल के साथ उमेश विश्वकर्मा, सी न्यूज भारत। सी न्यूज भारत के कैमरे से देखिए दूसरी तस्वीर, जो कि कानपुर रोड स्थित 12 विरवा नहरिया VIP चौराहे की है, जहां एक तरफ चौराहे को जाम से मुक्त रखने के लिए मानक नगर थाने से संबंधित पुलिस कर्मी गर्मी की मार झेलते हुए पसीना बहा रहे हैं, वहीं चौराहे पर यातायात व्यवस्था संभाल रहे ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को चिलचिलाती धूप की कोई परवाह नहीं है। जबकि आए दिन गर्मी की वजह से पुलिस कर्मियों के बीमार होने तथा मौत की खबरें सामने आ रही है। इस खबर को दिखाने का मकसद सिर्फ इतना है कि धूप में काम कर रहे पुलिसकर्मी भी इंसान हैं और सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि धूप से इन्हें बचाने हेतु संसाधन मुहैया कराए जाएं। इसी क्रम में आप देख सकते हैं कि 12 बिरवा नहरिया चौराहा कानपुर रोड पर मानक नगर थाना पुलिस लगातार मुस्तैदी के साथ डटी हुई है, इस चिलचिलाते धूप में भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करती नजर आ रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि धूप इतनी तेज है कि सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। हालांकि यह रोड बड़ा रस रहता है, इस रोड पर बड़ा यातायात का लोड रहता है, हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है, किंतु पुलिस की सक्रियता और खास तौर से देखा जाए चिलचिलाती धूप गर्मी के चलते लोग बड़ा कम निकल रहे हैं रोडों पर, और रोड पर आप देख सकते हैं कि जो चौराहा हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती थी, उस चौराहे पर सन्नाटा पसरा हुआ है। यहाँ इस छोर पे मानक नगर एरिया पड़ता है, मानक नगर थाना क्षेत्र, यहाँ मानक नगर पुलिस जहाँ मुस्तैदी के साथ ड्यूटी करती नजर आ रही है, वहीं आप देख सकते हैं कि यहाँ ट्रैफिक व्यवस्था भी चुस्त दुरुस्त है।
बारह बिरवा नहरिया चौराहे पर आप देख रहे हैं कि लगातार एक तरफ जहां मानक नगर थाना पुलिस लगातार अपनी ड्यूटी का इस धूप में निर्वहन करते नज़र आ रहे हैं, वहीं पर ट्रैफिक पुलिस की चुस्त दुरुस्त व्यवस्था देखी जा रही है। इस चिलचिलाती धूप में भी ट्रैफिक के सिपाही, ट्रैफिक के दरोगा, ये लोग लगातार अपने ड्यूटी का निर्वहन कर रहे हैं। धूप की परवाह नहीं कर रहे हैं, इनको चिंता है अपनी ड्यूटी का। प्यासे रहते हैं ये लोग, इन लोगों को प्यास लगती है तो दूर दराज दुकान जाना पड़ता है पानी के लिए। अब वो भी यहाँ पर इतना रस रहता है इस चौराहे पर, चौराहा को नियंत्रित करने के लिए इन लोगों ने अपने भूख प्यास को भी त्याग दिया। इस गर्मी में एक छोटा सा पुलिस बूथ, यातायात पुलिस बूथ बना हुआ है जो टीन सेट का है, और जाहिर सी बात है 45 डिग्री टेम्परेचर में क्या हाल अंदर होता होगा। यहाँ अंदर बैठना मुनासिब नहीं है, जबकि यहाँ बिजली नहीं है, पंखा नहीं है, पानी की पेयजल की व्यवस्था नहीं है। इसके बावजूद भी ये ट्रैफिक के सिपाही किस तरह अपने ड्यूटी का निर्वहन कर रहे हैं। इसी क्रम में ये दरोगा जी हैं, भैया आप ट्रैफिक से हैं? नहीं ट्रैफिक से। मानक नगर से। अच्छा, मानक नगर पुलिस से हैं। तो एक समस्या, इस समय बड़ी धूप है, बड़ी गर्मी है, तमाम लोगों की जाने जा रही हैं, आप लोग अपनी जान की परवाह किए बगैर इस चिलचिलाती धूप में यहाँ पर अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर रहे हैं, किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इस गर्मी को लेकर? अब देखिए, जैसे पानी की व्यवस्था है और इस समय ये जो टेम्परेचर है इससे थोड़ा दिक्कत आती है शरीर के लिए, और यही समस्याएं आती है टेम्परेचर धूप में खड़े रहने से। तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और इसी क्रम में आप देख सकते हैं कि रोडों पर धूप की वजह से, गर्मी की वजह से सन्नाटा पसरा हुआ है। जैसा कि आप बारह बिरवा नहरिया चौराहे पर आप देख रहे हैं कि ट्रैफिक पुलिस इस चिलचिलाती धूप में अपने कर्तव्यों को निभाने में जुटी हुई है, यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चलता रहे इस बात का विशेष ख्याल रखा जा रहा है। इसी क्रम में यहां पर टीएसआई महोदय मौजूद हैं। सर, धूप तो बहुत तेज़ है, किस तरह आप लोग इस गर्मी को सह रहे हैं? वो धूप तो अब आदत पड़ गई है, आराम से ऐसी धूप ज़्यादा विशेष नहीं लगती है। अपने कार्यों का निर्वहन करते हुए कोई विशेष हवा जो चल रही है उसी की राहत मिलती है। देखा जाए कि इस चौराहे पर बड़ा ट्रैफिक लोड रहता है, और इस ट्रैफिक लोड के चलते आप लोग को हमेशा इस धूप में खड़ा रहना पड़ता है। ना तो पानी की व्यवस्था है, ना कोई छाए की व्यवस्था। अगर देखा जाए मेट्रो का छाया मिल जाता है। अगर आपके पुलिस बूथ की बात की जाए, टीन सेट है तो इतने 45 डिग्री टेम्परेचर में वो तो जो है पूरा आग का गोला बन जाती है। उसमें पानी रखा रहता, बाकी हम लोग बाहर ही रहते हैं, और सभी कर्मचारियों की मदद से यहाँ जाम नहीं लग पाता है। आपका शुभ नाम? राजेंद्र कुमार, टीएसआई राजेंद्र। आप टीएसआई राजेंद्र कुमार जी हैं, जैसा कि इन्होंने कहा कि ड्यूटी सबसे पहले है, और ड्यूटी के प्रति ये लोग ईमानदारी के साथ बाहर ही रह के ड्यूटी करते हैं, यातायात का संचालन कर रहे हैं। सहयोगी सुनील कुमार पाल के साथ उमेश विश्वकर्मा, सी न्यूज भारत। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।